हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ वर्मीसेली आइस पुडिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए वर्मीसेली, सेवैया हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है हाफ बाउल मैंने लिया है सेवैया, और हमें चाहिए आधा लीटर दूध। और मैं इस सेवैया को अच्छे से रोस्ट करके ले लूँगी, ताकि हमें इसका जो कच्चा स्मेल जाना है, इसके लिए हमें इसे हल्का सा रोस्ट करके लेना है। तो दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब इस गर्मी के सीज़न में आप बच्चे को इस तरह से आइस पुडिंग, सेवैया का आइस पुडिंग बनाकर दे सकते हैं, उन्हें तो बहुत पसंद आने वाले हैं। और देखिए, हल्का सा रोस्ट हो चुका है, अभी हम इसे निकाल कर साइड पर रख देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सेवैया है हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसको दूसरे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हम इस पर एक ग्लास पानी ऐड करेंगे, और इसे हमें कुक करके लेना है, इस सेवैया को पकाना है। तो आप इसमें फर्स्ट आप इस पर पानी ऐड कीजिएगा, और उसके बाद हम इस पर दूध जो है हमने उबाल कर रखा था, उबाला हुआ दूध आधा लीटर इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इसको हमें पक्का कर लेना है। और जो मीठा है आपके हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने आइस पुडिंग बनाना है, इसके लिए हमें इसमें शुगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो एकदम मीठा आपको आगे रहना चाहिए ना, तो इस पर शुगर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। मीठा आप टेस्ट करके देखिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर हरदा बाउल शुगर ऐड किया है, ताकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो बच्चे को मीठा रहेगा तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो इसी तरह हम वेराइटी वेराइटी अलग अलग रीति से बच्चे को इस समर सीज़न में आइस क्यूब्स, आइस कोला वगैरह जैसे बनाकर घर पे ही दे सकते हैं। बाहर से जो मार्केट से मिलते हैं जो कलर वाला आइसक्रीम, से अच्छा हमारे जो घर पर बनाया हुआ दूध से बनाया हुआ आइसक्रीम बच्चे को दे दीजिएगा। तो अभी इसको थोड़ा थिक करने के लिए हमें इस पर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसे देखिए इस तरह से मैंने इस टेबल स्पून से मैंने लिया है। तो अभी हम इसको डाइल्यूट करके ले लेंगे, यानी कि उसको मेल्ट करेंगे और इस दूध में ऐड कर लेंगे, और ताकि हमारा दूध, सेवैया का दूध जो है थोड़ा थिक हो जाएंगे, इसके लिए हम इसको ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर को। अगर आपको कलर पसंद है तो आप कलर भी इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगी कि वाइट ही अच्छा दिखता है, वाइट आइस ही अच्छा लगता है। तो अभी इसमें जो था फ्लेवर के लिए हमें ऐड करना है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर से थोड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है, तो आपको नहीं पसंद है तो अवॉइड कीजिएगा। और दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला आइस पुडिंग है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना इस समर सीज़न में एक स्पेशल रेसिपी करके। तो मैंने ऐसे ही घर पर बनाकर देखी, तो बच्चे को बहुत ही पसंद आए। तो देखिए इस तरह से, अगर आपको लग रहा है ठंडा होने के बाद ये बहुत थिक हो चुका है, तो आप थोड़ा सा दूध इस पर ऐड कीजिएगा, और इस तरह के ग्लास में मैं अभी इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मेरे पास तो वो मोल्ड नहीं है जो आइस बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने वाला मोल्ड मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं ग्लास पर रख रही हूँ। और आइसक्रीम का जो स्टिक है ना, वो भी मैंने निकाल कर रखी थी। और इस तरह का एक सिल्वर फॉइल से हम इसे ढक देंगे, ताकि जो हम फ्रीज़र में रख देंगे तो इसमें आइस फॉर्म ना हो, इसके लिए हम इस तरह का एक फॉइल को, हम सिल्वर फॉइल को इस तरह से ढक कर उसके अंदर, देखिए इस तरह से मैंने वो आइसक्रीम स्टिक को भी रख दिया है। अभी सारे हम इस तरह का रख कर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। मैं अभी इसको रात भर पूरा रखूँगी, और दूसरे दिन दोपहर को हम इसको निकाल कर बच्चे को देंगे, या बड़े को, हम सब सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो अगर आप सुबह बनाना चाहते हो, सुबह बनाकर रात को खाना चाहते हो, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं आइसक्रीम रात को बनाकर रखती हूँ, और दोपहर को खाने में अच्छा लगता है। तो अभी हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरे रात भर इस आइसक्रीम को रख दिया था। अभी देखिए, मैंने दूसरे दिन दोपहर को मैंने इसे निकाल दिया है। अभी हमें इसे निकालना है, तभी देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। इसको एक बाउल पर हम पानी मैंने लिया है, उसमें इस तरह से डुबा कर थोड़ा सा देखिए इस तरह से हमें चलाना है, ताकि जो आइसक्रीम वहाँ से निकल आए। तो बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए। देखिए किस तरह से हमारा जो सेवैया का आइस पुडिंग रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एक सेवैया आइस पुडिंग करके नाम रखा है। आप चाहे तो कोई भी नाम इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही दिखने में इतना खूबसूरत, वैसे टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। तो मार्केट से खरीदने से अच्छे घर पर इस तरह बच्चे को बनाकर आप दे दीजिएगा।
जो सेवई का खीर नहीं खाते हैं तो हम इस तरह से पुडिंग जैसा बना कर दे दीजिएगा, आइस करके आइसक्रीम बोल कर भी दे सकते हैं, और ऊपर से आप चाहें तो चॉकलेट सॉस भी ऊपर से डालकर आप दे सकते हैं, कुछ भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो मेरे पास और भी इस तरह का मोल्ड नहीं था, इसके लिए मैं एक छोटे कप में रखा था, इसके लिए राउंड शेप में दिख रहा है, कप के अंदर भी मैंने रख कर बनाया था, ये जो कप की शेप है। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।